बुल्ढाणा जिले में अवैध रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल जिगांव में पूर्णा नदी में अवैध रूप से बालू का खनन होने की शिकायत मिली थी। सूचना पर कलेक्टर राममूर्ति के मार्गदर्शन में तहसीलदार राहुल तायड़े और मंडल अधिकारी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। थर्माकोल की नाव बनाकर नदी से रेत निकाली जा रही थी। टीम ने थर्माकोल की नाव को आग लगा दी ताकि बाद में फिर से नदी से रेत ना निकाली जा सके। धडक मोहिंद्रा होत्या ठिकाणी थर्माकोल पासून जे बोट तयार केले होते व त्या बोटद्वारे रेती काढण्याचे काम सुरू होते ते आज नष्ट केले। तेथील जो तीन ब्रास रेती साठा होता तो नष्ट केला। सोबतच त्या ठिकाणी ज्या थर्माकोलच्या बोट होते त्यांना जाळून ते नष्ट करण्यात आले। ते अवैध प्रमाणे काम चालू होतं त्याला आज कठोर कारवाई आम्ही केली। आम्ही आज